हेलो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे सूजी का बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, जो कि बहुत झटपट बनने वाला एक रेसिपी है और बच्चे बड़े हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सबसे बड़ा बात है कि इसे आप 5 से 7 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और ये कम ऑयल में बनने वाला बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बच्चे इतना प्यार से खाएँगे कि आपसे जिद करेंगे कि हर दिन आप यही रेसिपी उन लोगों को बना के खिलाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 कप ले लिया है ये जो सूजी है और इसमें डाल देंगे हम लोग पानी। पानी आपके सूजी के क्वालिटी पर डिपेंड करता है, कोई कोई सूजी जो है कम पानी पीता है और कोई सूजी जो है ज़्यादा पानी पीता है। तो यहाँ पहले मैंने 3 कप पानी डाला है, इसे मिक्स करेंगे। देखिए सूजी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, इतना ड्राई भी हमें नहीं चाहिए। सूजी जितना पानी पी सके उतना पानी हम लोगों को देना है, मतलब कि 4 कप सूजी में मैंने 4 कप यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो इसलिए पहले आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक बार में बहुत सारा पानी नहीं डाल दें, नहीं तो क्या होगा कि सूजी बहुत गीला हो जाएगा और रेसिपी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 कप सूजी में मैंने 4 कप पानी डाल दिया है। अब 2 प्याज जो मैंने फाइनली चॉप करके रखे हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। 2 हरी मिर्च भी मैंने डाल दिया है। आप यदि तीखा नहीं खाते होंगे तो हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ी सी हम लोग मतलब अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम लोग नमक डाल देंगे। घर का फ्रेश दही है जो कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, फ्रेश खट्टा दही है, मतलब बहुत खट्टा नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है। अब यहाँ पे हम लोग दही डाल देंगे। 1 कप टोटल मैंने दही डाला है। अब 1/2 टीस्पून हम लोग यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल देंगे और यदि आप खाने वाला सोडा या दही अवॉइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप टमाटर का यूज़ कर सकते हैं यदि आपको दही सूट नहीं करता है तो, उससे भी इस रेसिपी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है टमाटर डालने के बाद भी। और सभी चीज़ों को हम लोग कुछ देर तक फेटेंगे। देखिए फेटते फेटते मैंने 5 से 7 मिनट तक इसे फेटा है और फेटते फेटते जो है सूजी भी फूल चुका है और ये पूरा मिक्सचर जो है काफ़ी फ्लफी बन चुका है। अब यहाँ पे अप्पम का पैन मैं गर्म कर रही हूँ, इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल और इसको हम लोग अच्छी तरीके से तवे पर पूरी तरीके से फैला लेंगे। तेल जो है गर्म हो चुका है, इसमें पीला सरसों मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून और इसे ढक देंगे जिससे कि तड़कने के बाद वो पूरा बाहर ना निकल जाए, नहीं तो होता क्या है कि पूरा गैस पर ही राई दिखता है, तवे में नहीं दिखता है। और वो तेल जो है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बैटर में मैंने डाल दिया है, बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम लोग फिर से तेल डालते हैं और ये बहुत ही हेल्दी एक नाश्ता है। मतलब हम लोग हर माँ कोशिश करती है कि अपने बच्चों को कम तेल का हेल्दी नाश्ता खिलाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने बच्चे को बहुत ही हेल्दी और कम तेल का नाश्ता खिला सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि इतनी व्यस्तता में कोई भी नहीं चाहता है कि झंझट वाला नाश्ता बनाए, तो ये 2 माने 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ये ऐसा रेसिपी है। तो यहाँ पर सारे मतलब जो अप्पम का खाँचा था उसमें मैंने भर दिया है और भर करके इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। 1 मिनट के बाद देखिए ऊपर का जो पार्ट है ये ड्राई हो चुका है, मतलब कि ये एक तरफ से पक चुका है। अब इसे पलटने का समय आ गया है, हम लोग पलट देते हैं ताकि ये दूसरी तरफ भी पक जाए। सारे अप्पम को हम लोग इसी तरीके से पलट देंगे। ये बहुत ही आसानी से मतलब पलटा जा सकता है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं, इतना भी आसान है। सारे को हमने पलट दिया है और पलटने के बाद फिर से 1 मिनट मैंने पका लिया है। और पकाने के बाद अब मैं इसे दिखाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। देखिए कितना क्रिस्पी बना है और काफ़ी फ्लफी भी है, मैंने क्रिस्पी भी है फ्लफी भी है। तो दोस्तों रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय बाय।